सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। ठंड के मौसम में अगर आपका मन उदास है या फिर रोजाना के काम में आपका मन नहीं लग रहा तो हो जाइए सावधान, आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। ठंड बढ़ने के साथ इस बीमारी के मरीज 3 गुना ज्यादा बढ़ रहे हैं। सर्दी के मौसम में तेजी से गिर रहा पारा प्रौढ़ व वृद्ध लोगों के लिए भारी मुसीबत बनता जा रहा है। लुढ़कते पारे के कारण 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग तेजी से अवसाद यानी कि डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के आंकड़े इसी ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं BRD मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग के डॉक्टर अभिनय श्रीवास्तव ने बताया कि सर्दी के समय यानी सर्दी के मौसम में सूर्य की रोशनी कम मिलती है, ऐसे में मस्तिष्क के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन कम होने लगता है। इसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। इस बीमारी के मरीजों में 75% महिलाएं शामिल होती हैं। BRD के मानसिक रोग विभाग के इन दिनों मरीजों की बाढ़ सी आ गई है। सामान्य दिनों में 120 से 140 मरीज रोजाना OPD में आते थे। पारा लुढ़कने के बाद OPD के मरीजों की संख्या बढ़कर 200 के पार चली गई। सबसे ज्यादा करीब 80 मरीज तो सिर्फ डिप्रेशन की शिकायत लेकर ही आ रहे हैं, जबकि सामान्य दिनों में यह संख्या महज 20 से 25 मरीज की ही थी। इस बीमारी के शिकार व्यक्ति के जहन में खुदकुशी करने का भाव आता है, हीन भावना आ जाती है, मन उदास रहता है, उनका मन किसी कार्य में लगता नहीं है, भूख कम लगती है। अवसाद के शिकार मरीजों को रोजाना धूप में 1 से 2 घंटे जरूर बैठना चाहिए। इसके अलावा कृत्रिम सूर्य की रोशनी के लिए कुछ यंत्र भी हैं, जिसके साथ ऐसे मरीजों को डॉक्टर की सलाह से अवसाद की दवाएं जरूर दिलानी चाहिए। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट से आप ये समझ गए होंगे कि ठंडी का मौसम चल रहा है और ठंडी के मौसम में डिप्रेशन के लोग ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। इससे बचने के लिए उनको कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि भूख ना लगना एक कारण बनता है, तो उन्हें खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। मरीज को सबसे प्रमुख बात यह है कि उन्हें धूप लेना चाहिए, यानी धूप से विटामिन D मिलती है, साथ ही डिप्रेशन से बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय भी माना गया है। क्यूरेन हेल्थ डेस्क से अभिषेक की रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।